डॉक्टर भरत धनजानी। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। बेसिकली मेरी स्पेशलिटी ट्रॉमा, स्पाइन एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट है। अब इसका क्या ट्रीटमेंट है? सबसे इनिशियल ट्रीटमेंट तो हम इनको फिजियोथेरेपी के लिए बताते हैं। तो हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बताते हैं, स्पाइन की एक्सटेंशन फ्लेक्शन एक्सरसाइज बताते हैं। इवन आजकल कुछ मॉडलिटीज आ गई हैं, या तो हॉट फॉमेंटेशन हम करते हैं, या फिर लेज़र से, या अल्ट्रासोनिक थेरेपी से, या इवन इंटरफेरेंशियल इंफ्रारेड थेरेपी से, टेंस थेरेपी से हम उसको कमर की सिकाई करते हैं, जिससे कमर के दर्द में आराम मिलता है। दवाइयों की बात करें तो हम उनको पेन किलर या मसल रिलैक्सेंट दे सकते हैं। उसके बाद भी अगर पेशेंट के सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट नहीं होता है तो हम उनको एक एपिडुरल इंजेक्शन सजेस्ट करते हैं। वो हम ऑपरेशन थिएटर में ले जाती है, सीआम मशीन के गाइडेंस में हम एपिडुरल इंजेक्शन लगाते हैं। जिस नस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उस नस में, उससे नस के आसपास जो सूजन है वो कम हो जाती है, इससे सिम्टम से रिलीफ मिल जाता है। और ये सारी चीज़ें करने के बाद भी अगर आराम नहीं मिलता है तो हम पेशेंट को ऑपरेशन के लिए सजेस्ट करते हैं। ऑपरेशन दोनों तरह से हो सकता है, ओपनली भी होता है और आजकल माइक्रोस्कोप से भी होता है, जिसको हम माइक्रो डिसेक्टोमी बोलते हैं। तो हम उसमें जो डिस्क जो हर्निएट हुई हुई है, जो बाहर आई हुई है, उसको हम ऑपरेशन के द्वारा निकाल देते हैं, जिससे नर्व पे जो कंप्रेशन है वो दूर हो जाता है और पेशेंट को सिम्टम्स में रिलीफ मिल जाता है।